बसमिलीम नमदल महमदर रसोल करीम ये प्रॉब्लम बैक्टर कैलकुलस से रिलेटेड है प्रूव दैट डी बैक्टर डॉट ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी इज़ इक्वल टू बी डॉट डी और इसमें स्केलर इस्केलटल प्रोडक्ट है ए सी डी यहाँ पर d डॉट ब्रेकिट था स्क्वायर ब्रेकिट a क्रॉस फिर ये कर्ली ब्रेकिट v क्रॉस पैरंथेसिस c क्रॉस d पैरेंथेसिस क्लोज करली ब्रेकिट क्लोज स्क्वायर ब्रेकिट क्लोज इक्वल टू b डॉट d इन पैरेंथेसिस एंड मल्टीप्लाइड बाई स्केलर मल्टीप्लाइड बाई स्केलर टीपल प्रोडक्ट a वेक्टर a वेक्टर c वेक्टर d तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे हम लोग और राइट हैंड साइड के कुल प्रूव करना है तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू गिवन है डी डॉट ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी बैक्टर अब इसके बाद हम यहाँ पर सबसे पहले तो ये तीन वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसमें वैल्यू लिखेंगे फार्मूला जो यूज़ करेंगे वो ए क्रॉस बी क्रॉस सी का होता है इस फार्मूले के यूज़ करेंगे देखिए जो ब्रैकेट के बाहर है वो अब हमेशा ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा ये याद करने के लिए है अगर आपको याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं जो इधर से यानी जो बाहर था उससे पहले पढ़ रहा उससे वो पहले हम उसको बाहर लिखेंगे और बच्चा हुआ उसको सी लिखेंगे यानी दूर वाला ए के जो होगा उससे पहले लिखेंगे बीच में माइनस साइन होगा यानी जो पहले पड़ेगा उसको पहले यहाँ बाहर लिखेंगे जो बाद में होगा उसको बाद में यहाँ पर बाहर लिखेंगे यानी सी को और बाद में ऑर्डर भी वही रहेगा जो बाहर था वो हमेशा अंदर रहेगा यानी ए डॉट के साथ में पहले बी आ गया पहले सी आ गया इसके साथ आपकी बी आ जाएगा और बाद में ऑर्डर वैसे ही वैसा ही रहता है जैसे लिखा है ए बी सी तो ए बी सी ये फार्मूला है जो कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का है और इसका हमें यूज़ करना है यहाँ पर जो करली ब्रैकेट है यानी फ्लॉवर्ड ब्रैकेट है तो लेफ्ट हैंड साइड बाकी चीज़ें वैसे लिख देंगे एज इट राइट करेंगे डी डॉट स्क्वायर ब्रैकेट ए क्रॉस यू करली ब्रैकेट अब आ रहा है इसके अंदर इस इन फैक्टर्स के लिए इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो देख है रहे हैं कि बी हमेशा रहेगा अंदर और जो इधर से पहले आ रहा है उसे बाहर लिखेंगे और डी को लिखेंगे अब यानी सी को बाहर किया माइनस अब बी को तो अंदर रखना है पैरेंथेसिस में डॉट प्रोडक्ट के साथ सी बाद में ऑर्डर वही होता है बी सी और डी को बाहर लिख देंगे और करली ब्रेकिट क्लोज स्क्वायर ब्रेकिट क्लोज अब इस करली ब्रेकिट को हम ओपन करेंगे और ए का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर के साथ ही होगा ये डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है एक सिंपल सा जैसे कि नंबर समझ लें आप फाइव है एट है इस तरीके से कोई नंबर होगा तो ये तो बाहर हो जाएगा ए का क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वेक्टर के साथ ही आएगा और वो वेक्टर सी है डी डॉट वेक्टर को बाहर लिखे डी वेक्टर डॉट को बाहर लिखा रहने दें स्क्वायर ब्रैकेट जैसे कि अभी हमने बोला जब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे दो टर्म है यहाँ पर तो ये तो स्केलर क्वांटिटी है बी डॉट डी इसको तो बाहर लिख दें क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन होता है वेक्टर का वेक्टर के ऊपर ही यानी ए का क्रॉस सी के ऊपर होगा माइनस अब इस ए क्रॉस जो होगा इसके ऊपर डी पर आएगा और ये स्केलर क्वांटिटी है बी डॉट सी क्योंकि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी आती है और ए क्रॉस आ जाएगा डी क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर पे ही डिफाइन होता है स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर दें अब यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट भी डिफाइन होता है वेक्टर के ऊपर दो वेक्टर के बीच में लगता है तो यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी है जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे माइनस का साइन है दो टर्म है डी जो होगा इस वेक्टर पर ऑपरेट हो जाएगा क्यों दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ही वेक्टर आता है ये वेक्टर है यहाँ पर ये यह वेक्टर है तो ये डी का डॉट प्रोडक्ट इस वेक्टर के साथ आएगा इस वेक्टर के साथ में आएगा ये स्केलर क्वान्टिट्टी इसको ये और ये इसको पहले लिख देंगे एज इट वी डॉट डी और यहाँ पर डी का डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा ए क्रॉस सी के साथ में इसे आप कर्ली ब्रेकेट में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं और कोई ब्रेकेट ना लगाएं ऐसे यहाँ पर कर्ली ब्रेकेट में ए का डी का डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा इस देखिए उससे पहले हमें ये क्वान्टिटी लिखना थी तो वो पैरेंथेसिस में है उसको लिख लें तो ये वैल्यू बी है तो इसको हम हटा देते हैं तो बी डॉट सी आप अगर ऐसी गलती हो तो आप पूरी लाइन काट दीजिएगा और फिर नेक्स्ट स्टेप में, में लिखेंगे तो डी का डॉट प्रोडक्ट हमें करना है जैसे कि भी हमने बताया वेक्टर के साथ में करना है और इसमें कर्ली ब्रेकेट का यूज़ करें कर्ली ब्रेकेट का यहाँ पर यूज़ करेंगे तो डी डॉट में ये आ जाएगा ए क्रॉस डी वेक्टर क्लोज और ये हम पैरेंथेसिस को क्लोज़ करेंगे और फिर स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाना क्योंकि वो तो हमने ओपन कर ही लिया है अब इसको हम जानते हैं कि स्केलर टिपल प्रोडक्ट की जो डेफिनेशन होती है उसका यूज़ करेंगे बी डॉट डी यानी दो वेक्टर के बीच में तो क्रॉस प्रोडक्ट हो दो वेक्टर के बीच उनके साथ में डॉट हो डॉट प्रोडक्ट हो तो इसको स्केलर टिपल प्रोडक्ट यानी स्क्वायर वैकेट में लिखेंगे और इनके बीच में कोई भी साइन नहीं लगाना है पहले वेक्टर डी लिखना है इसी ऑर्डर में लिखना है ए ऑफिस सी लिखना है माइनस ये एजेड लिख देंगे बी डॉट सी उसके बाद इसको भी इसी तरीके से लिखना है क्योंकि दो वेक्टर का क्रॉस और उनके साथ में एक वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है तो इस ये भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तो डी लिखेंगे पहले उसके बाद ए लिखेंगे और डी लिखेंगे और हम लोग जानते हैं दो अगर एक जैसे वेक्टर आ जाएं तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू जीरो के बराबर होती है तो इसको हम जीरो के कुल पुट कर देंगे तो वैल्यू ये बची है और हमें जो प्रूव करना है तो उसमें ऑर्डर जो दे रखा था वो प्रूव करने ब्राइट राइट हैंड साइड में ए सी डी दे रखा था तो ध्यान रहे कि स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी ये भी होती है कि आप अगर जैसे कि ए लिख रहे हैं तो ए के बाद फिर क्या आ रहा है सी आ रहा तो सी को लिखेंगे और साइकिल ऑर्डर में सी के बाद डी आ रहा तो फिर डी को लिखेंगे इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम होती है उस बेस पर हमने इसको लिख दिया है और इस्केलर प्रोडक्ट में टी दो वैल्यू अगर दो वेक्टर एक जैसे हैं तो उसकी वैल्यू ज़ीरो होती है तो जीरो में ये स्केलर का इंटू करेंगे ज़ीरो आ जाएगा तो ये मैं प्रूव करना था जो आ चुका है यानी b डॉट d और ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए सी टी यहाँ पर जिस फार्मूले का यूज़ किया है यहाँ पर जिस फार्मूले का यूज़ किया है कि दो अगर एक जैसे आ जाएँ ए बी और ए तो उसकी वैल्यू ज़ीरो होती है और यहाँ पर जिस फार्मूले का यूज़ किया वो ये है कि आपने बीज बालों को पहले लिखा है जैसे कि लिखा हो ए बी सी तो अगर हमने बीज वालों को पहले लिखा है तो उसके बाद वाला सी लिखेंगे और उसमें डी तो इन दो सॉरी ए है तो ए लिखेंगे तो इस फार्मूले का हमने यूज़ किया है और इस फार्मूले का यूज़ किया है और ये प्रूव करना था यानी राइट हैंड साइड आ चुका है थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी आखर उ दावाना